ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, टॉर्च दिखाते रहिए। किशनगंज पुलिस ने चूड़ी पट्टी के रमजानपुर पर दुर्दांत अपराधी को फिल्मी अंदाज में धर दबोचा है, जिनके पास हथियार बरामद किया गया है। टाउन थाना पुलिस के इस ऑपरेशन को देखने वाले चश्मदीदों ने तालियां बजाकर सराहा है। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे जान जोखिम में डालकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल हथियार से लैस कोनेन रजा नाम का ये अपराधी पुलिस को देखकर भागने की फिराक में था। जो ही पुलिस की टीम उनका घेरा तंग किया, ये असलहे को नदी में फेंक कर फरार हो रहा था। फिर क्या था, SHO अमर प्रसाद और ASI संजय यादव ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। ASI संजय यादव ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नाला बने रमजान नदी में छलांग लगा दी। काफ़ी देर बाद हथियार को ढूंढकर पानी से बाहर निकाला, जिसे देखकर मौके पर मौजूद लोग दंग रह गए और तालियों से उनका हौसला बढ़ाया। किशनगंज पुलिस के इस कारनावे ने सबका विश्वास जीत लिया है और लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आदर्श थाना किशनगंज की ओर से लगातार नशेड़ियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, दारोबाजों के खिलाफ उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है, इनकी धरपकड़ की जा रही है। और इसी क्रम में कितने सारे लोग को हम लोगों ने नशे के हालत में स्मैक के साथ, दारू के साथ पकड़ के उनको जेल भेजा है। तो इसी क्रम में हम लोग आज तकरीबन 9:30 के आसपास गांधी चौक पर गश्त लगा रहा था, तो सूचना मिली कि रमजान पुल पर कुछ बदमाश इकट्ठे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये लोग तत्पर हैं। तो इस घटना की सूचना के तदुपरांत हम लोग के द्वारा रमजान नदी पर जाया गया, तो हम लोग देखते ही कुछ लोग थे जो कि इधर उधर भागने लगे। इसी क्रम में एक लड़के को हम लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा और पकड़ते ही इन्होंने अपने कमर में रखा पिस्तौल को उठाकर रमजान नदी में फेंक दिया। और फिर हम लोगों ने इसको अपने कवर में किया, करने के बाद फिर नदी से ये पिस्टल को हम लोगों ने छान के निकलवाया और फिर इस दिशा में आगे कार्रवाई कर रहे हैं। पूछताछ में क्या कुछ बताया अपराधी? हाँ, पूछताछ में इन्होंने बताया कि इनके गैंग में बहुत सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देते और मौका वारदात पर पकड़ लिया गया। ऐतिहासिक अपराध भी इनका खंगाला जाएगा पुराना? बिल्कुल, इसका जो भी आपराधिक इतिहास है या पूर्व में जो इनके गैंग में रहे हैं उनकी ओर से हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इनके गैंग के सरगना या अन्य सदस्य होंगे उसको हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, उसके दिशा में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, टीम में कौन 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 शामिल थे? हाँ, इस टीम में हम लोग अपने सशस्त्र बल के साथ ASI संजय यादव और मेरे नेतृत्व में ये सारी कार्रवाई की।